आज हम लोग समझेंगे क्लास फिफ्थ साइंस चैप्टर फिफ्थ सीड्स एंड सीड्स, मतलब बीजों के बारे में समझेंगे। कैसे होते हैं बीज, कहाँ से आते हैं बीज, बीज से कैसे प्लांट ग्रो करता है, अलग अलग टाइप्स के बीज कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ सीड्स पढ़ेंगे, कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे सब जगह हमें एक चीज़ मिल जाती है, तो ये सब किसके कारण हो रहा है, कैसे कौन सी सीड्स कहाँ से आई है, ये सारा डिस्कस हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ओके बेटा, गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। तो गोपाल अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा था कि वो उनके घर कब आएंगे। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। तो वो छुट्टियाँ बिताने के लिए गोपाल के घर आने वाले थे। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विद हिज कजन्स। तो वो सोच रहा था कि कितना मज़ा आएगा, सब लोग आएंगे, हम कितना अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। Just then his mother called out. तभी उसकी मम्मी ने बोला, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक टू स्मॉल बोल्स, ठीक है, कटोरी ऑफ चना। मतलब तो मम्मी ने कहा कि सोने से पहले तुम दो कटोरी चने भिगो देना। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। और वो मतलब बुआ के घर जा रही है और सुबह ही वापस आएंगी। तो कि सोने से पहले अपनी मदर ने उसे कह दिया कि चने को मतलब दो कटोरी चना भिगो देना। एज ही वॉज सोकिंग द चना, फिर गोपाल चने जो होते हैं उनको सोक करने लगा। सोक का मतलब होता है भिगोने लगा। गोपाल थॉट हाउ विल टू स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी एनफ फॉर 8 persons। तो उसने वो सोचने लगा कि सिर्फ दो कटोरी चने 8 लोगों के लिए मतलब पूरे कैसे होंगे। सो ही सोक्ड अनदर 2 bowls ऑफ चना। तो उसने दो चने मतलब दो कटोरी चने और भिगो दिए, मतलब टोटल उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। व्हेन हिज मदर रिटर्न्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जब उसकी मम्मी आई, शी सॉ दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। तो मतलब इस बर्तन में से चने बाहर निकल के गिर रहे थे। हाउ मच डिड यू सोक। तो मदर ने पूछा कि तुमने कितने भिगोए थे। आज हिज मदर, हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल। मतलब अपनी मदर का आंसर करने से पहले ही वो सोचने लगा कि भाई मैंने इतने चने भिगोए थे, ये तेरे सारे कैसे हो गए, ये नीचे कैसे गिर गए। फिर यू सोक टू मच, तो मतलब मदर ने कहा कि तुमने कुछ ज़्यादा ही जो है भिगो दिए हैं। एनी वे इट इज़ गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम। मतलब ठीक ही है, चलो मैं इसमें से आधे जो है मतलब कुक कर दूँगी, बना दूँगी सब्जी। एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट, और आधे जो है वो स्प्राउट होने के लिए। स्प्राउट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा करके डंडी टाइप की निकल जाती है, वो खाने के लिए हेल्दी होते हैं। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और ये मैं तुम्हारी आंट के घर भेज दूँगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें स्प्राउट्स खाने हैं, मदर ने बोला। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लोथ एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट। तो आधे चने की सब्जी तो उन्होंने बना ली और आधे चने उन्होंने कपड़े में बांध के ऊपर लटका दिए ताकि वो उसमें स्प्राउट वो हो सकें। तो डिस्कस की सारे क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अगले वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर्स वाली होगी उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। ये सब हम उसी में कवर करेंगे। अब एक बार प्रोजेक्ट वाला देख लेते हैं कि टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ। आपको क्ले पॉट लेना है और कैन लेनी है जिसका मुंह काफ़ी बड़ा सा हो। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, कैन के बॉटम में एक छोटा सा होल बना दीजिए। फिल योर कैन विद अ सॉइल, और इस कैन को जो है मिट्टी से भर दीजिए। पुट 4 or 5 सीड्स एट ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। और एक ही तरीके के मतलब आप सीड जो है मिट्टी में दबा दीजिए, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स, तो बच्चे खूब सारे ग्रुप बनाए और अलग अलग प्लांट सीड वो कर सकते हैं, मतलब एक्टिविटी है पेड़ लगाने की। इसमें फिर क्या क्या हुआ आपके प्लांट के साथ, ये सारा का सारा फाइंड आउट करने का है। अब ये है प्लांट्स विच हंट। आपने पहले सुना होगा कि प्लांट तो फल देते हैं, मगर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हंटिंग भी करते हैं, शिकार करते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कीड़ों को भी खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, इसका नाम होता है पिचर प्लांट। तो देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो मतलब मेंढक खा जाते हैं, इंसेक्ट्स खा जाते हैं, चूहे भी खा जाते हैं। पिचर प्लांट, ठीक है, इज वन सच प्लांट, ठीक है। नेपेंथीज, पिचर प्लांट को नेपेंथीज भी कहते हैं। ये इस तरीके का प्लांट है जो जानवरों को हंट करके खा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में, और हमारे देश के मेघालय में भी ये मिलता है। इट हैज़ अ पिचर लाइक शेप। पिचर मतलब होता है, ये देखिए घड़ा जो होता है ना, इस तरीके की इसकी शेप है, पिचर जैसी इसकी शेप होती है, इसलिए इसको पिचर प्लांट कहते हैं। एंड द माउथ इज़ कवर्ड बाई लीफ, मतलब ऐसे
इसका मुंह जो है वो कवर होता है लीफ से. द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट टू इट. और प्लांट में ऐसी स्मेल होती है कि इंसेक्ट इसकी तरफ खिंचे आते हैं. व्हेन इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट. व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट. और फिर मतलब इसमें ऐसी खुशबू होती है कि प्लांट इसकी तरफ आ जाते हैं, प्लांट जैसे इस पर आकर के बैठते हैं, ये अपना मुँह बंद कर लेता है और प्लांट को खा जाता है. सो मैनी सीड्स, बहुत सारे सीड्स. ठीक है, ये देखिए ये होते हैं स्प्राउट्स, जो ऐसे करके ऊपर ये निकला हुआ होता है ना, ये देखिए ये स्प्राउट्स होते हैं, वाइट वाइट जो निकला होता है. सो मैनी सीड्स, हाउ मैनी टाइप ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट. आप लोग कितने तरीके के सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे. कहाँ से कलेक्ट करेंगे, ईच ऑफ यू, आप सबको ट्राई करना है अलग अलग टाइप के सीड कलेक्ट करने हैं. उसके बाद आफ्टर दैट पुट सारे के सारे सीड्स कलेक्ट करके एक साथ रख दीजिए. अब उनको ऑब्जर्व करिए अच्छे से कि उनकी शेप क्या है, उनका कलर क्या है, साइज क्या है, टेक्स्चर मतलब स्मूथ हैं, रफ हैं, कैसे हैं. ठीक है, और एक चार्ट टाइप का आपको बनाना है. तो यही सब है उसमें लिस्ट वेस्ट बनाने की. अब आता है वेंडरिंग सीड्स. मतलब वेंडर का मतलब होता है घूमते हुए, जो इधर उधर घूमते रहते हैं. सीड्स होते हैं बीज. तो प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड. प्लांट्स एक जगह से, प्लांट्स तो हिलते नहीं. आपने कभी चलते हुए प्लांट्स देखे हैं? नहीं देखे होंगे, है ना. तो प्लांट्स नहीं चल सकते. वंस दे ग्रो, कार्टून्स में चलते होंगे शायद, वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस. वंस एक बार जब वो उग जाते हैं तो वो उसी जगह पर रहते हैं. बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स. मगर इनके जो सीड्स होते हैं इनके बीज खूब घूमते हैं. दे कैन रीच फार एंड वाइड. खूब दूर दूर तक वो घूमते हैं. कैसे, फ्लाई करके. कई बार उड़ के चले जाते हैं, कई बार इंसेक्ट ले जाते हैं, कई बार पानी के साथ बह जाते हैं, कई बार मिट्टी में इधर उधर फैल जाते हैं. तो सीड्स जो है वो फैलते हैं ऐसे करके. देखिए सीड्स जा रहे हैं. ओके बाय राइटर लेटर ऐसे करके. ठीक है, फिर एनिमल्स भी लेकर के जाते हैं. और एनिमल अपनी फर की हेल्प से, क्लोथ की हेल्प से, कई तरीके से जो है लेकर के जाते हैं सीड्स. अब क्या है, दिस हैपेंड इन 1948. वन डे जॉर्ज मेस्ट्रेल कम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग. तो अपने डॉग के साथ जो है जॉर्ज वापस आए. ही वॉज अमेज टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर. उन्होंने देखा जो बीज हैं उनके पूरे कपड़ों पे हैं, उनके डॉग की फर पे भी हैं. ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक. वो किसकी वजह से, कैसे चिपक गए उनके ऊपर. सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो उन्होंने इन सीड्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. ही सॉ दैट द सीड हैज मैनी टाइनी हुक्स विच गॉड स्ट्रक टू क्लोजर फर. तो जो सीड्स होते हैं ना वे हुक जैसे होते हैं, इसलिए वो कपड़ों से, जानवरों पर भी चिपक जाते हैं. दिस गेव मेस्ट्रेल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलकैरो. ठीक है, ही मेड अ मटीरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक. वेलकैरो इज यूज टू स्टिक टूगेदर मैनी थिंग्स, क्लोज, शूज, बैग्स, बेल्ट एंड मैनी मोर. वट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर. तो वेलक्रो, वेलकैरो बोल दिया, सॉरी, मैंने वेलक्रो होता है ना जो जिससे सब चिपक जाता है, जो आपके ये होता है ना चिपकर वाला, ये इस पर सब कुछ चिपक जाता है. तो उनको ये आइडिया कहाँ से मिला, जो सीड्स उनके कपड़ों पे चिपक गए थे क्योंकि उसमें छोटे 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 हुक थे सीड्स पे, इसलिए सीड जो है उनके कपड़े से चिपक गए. तो उन्होंने सोचा वेलक्रो बना देते हैं जो चीज़ों को बांधने के काम आ जाए, जो ये सैंडल बांधने के काम आता है वेलक्रो. ठीक है, अब कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं, चिड़िया अपने मुंह में ले जाती है, कहीं पर गिर जाता है, फिर ये अपने सीड गिरा देते हैं हवा से, पानी से, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग बहुत बहुत दूर जो है प्लांट्स ट्रैवल कर पाते हैं. हाउ, हु कम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया. हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट. मतलब लिस्ट बनाई थी कौन कहाँ से आया. तो येस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली और अनोइंगली. ह्यूमन बींग्स भी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह दे करके जाते हैं, जानते हुए भी और कई बार अनजाने में भी. वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटिफुल और यूजफुल टू ग्रो देम इन आर गार्डन. हम लोग जो हमें सुंदर लगते हैं अलग अलग जगह से प्लांट्स ले आते हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए. लेटर द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेज. और वहीं से उड़ जाते हैं हमारे, कहीं दूर से लेकर के आते हैं और फिर उस इलाके में वो वाले सीड्स फैल जाते हैं. लेटर, ठीक है, मैनी ईयर्स लेटर पीपल वे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हेयर अर्लियर. कुछ सालों बाद लोगों को याद ही नहीं रहता कि ये प्लांट्स पहले यहाँ नहीं होते थे, कहीं बाहर से आए हैं. दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स. डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज कम टू आर कंट्री. मिर्चें हमारी कहाँ से आई हैं. दे वर ब्रॉट टू इंडिया बाय द ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका. तो मिर्ची साउथ अमेरिका से आई है और आजकल तो हम मिर्ची खूब खाते हैं. तो यही हमें बताया गया लास्ट में कि पोटैटो जो है ना साउथ अमेरिका से आया है कई साल पहले. टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली. तो टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन चिली कहाँ से आई है, सारे के सारे साउथ अमेरिका से. ठीक है, अ कैबेज, कैबेज जो होती है
वो यूरोप से आई है, और पी पी मटर हो गई, और कैबेज, ठीक है, मटर और कैबेज कहाँ से आई है, यूरोप से आई है, कॉफ़ी कॉफ़ी जो है वो अफ्रीका से आई है, और भिंडी भी, भिंडी और कॉफ़ी अफ्रीका से आई है, और उन्होंने लैंड को क्रॉस किया, सी को क्रॉस किया, ठीक है, क्या ये आप जानते हैं। अब मैंगो, मैंगो कहता है कम इन एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट स्किन वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड द मेथी एंड स्पिनच ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड। तो ये सब कहाँ से, ऑरेंज हो गया, ठीक है, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, बनाना हो गया, मेथी, और ये हमारा ब्रिंजल, बैंगन और मूली, ये सारे के सारे इंडिया में ही होते हैं, ठीक है। डिड यू नो दिस, क्या आपको पता ये सारी चीज़ें इंडिया में पहले से होती थी, और ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी बाहर से आई हैं। बाहर से क्या क्या आया है, बाहर से टोमेटो, पोटैटो, चिली, कैबेज, पी, कॉफ़ी, भिंडी, और चाय भी, वो भी हमारे देश में नहीं होती थी, जो कितना ज़्यादा आप लोग पीते हैं, ठीक है। वेन ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग अगो, ये सारी चीज़ें बहुत सालों से उगाई जा रही हैं, बट अलग अलग देशों से आई हैं। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कम्प्लीट। कैसा लगा ये जो वीडियो में आप लोगों ने देखा सीड्स के बारे में, सीड्स के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स आपने समझे हैं, कैसे सीड्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती है, क्या एनिमल्स का रोल होता है, क्योंकि इंसेक्ट जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाती तो वो सीड्स को लेके जाती थी, कैसे सीड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, ग्रोथ ऑफ सीड्स देखी, कैसे आप सीड्स को प्रॉपर वाटरिंग करते हैं तो उसकी ग्रोथ बढ़ती है, और फिर आपने देखी कि कौन कौन से ऐसे सीड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, इंडिया में ग्रो होते हैं, और कौन से ऐसे सीड्स होते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जैसे टोमेटोज, पीनट, ये सब हमने हमारे इंडिया में ग्रो होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से आई हुई हैं। इसके साथ ये चैप्टर हमारा कम्प्लीट होता है। थैंक यू बेटा।